तीसरी लहर की आशंका और टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लिया है। अब कोरोना रोधी टीके के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले फ्रंटलाइन कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फैसला लिया गया है कि अब दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दें ताकि अधिक से अधिक आबादी सुरक्षित हो सके। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के करीब 1.80 करोड़ लोगों में से 4.50 लाख फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं। इनमें से स्वास्थ्य, पुलिस, सफाई कर्मचारी, बिजली, पंचायती राज और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो कुल 2 लाख में से 1.80 लाख ने पहली और 1.20 लाख कर्मी ने ही दोनों खुराक ली हैं। कुल 60,000 पुलिस कर्मियों में से 58,000 ने पहला और 49,000 ने दोनों डोज ली हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी समेत अन्य कर्मी पहली के बाद दूसरी डोज लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में प्रदेश में कोरोना से 6 डॉक्टरों समेत 50 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 45 पुलिस कर्मी और 43 बिजली कर्मी कोरोना से जान गंवा चुके हैं, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अब तक केवल 26 लाख ने ली दोनों डोज। हरियाणा में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के बाद अब तक कुल 1,23,86,741 लोग खुराक ले चुके हैं। इनमें से 6,85,03,966 पुरुष हैं और 5,53,494 महिलाएं हैं। 9,59,776 ने पहली और 26,95,965 ने दोनों डोज ले ली हैं। केंद्र से कम वैक्सीन मिलने के कारण कम लोगों को वैक्सीन मिल पाई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।